आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ऑफिस से निकलकर रोज की तरह हम तीन दोस्त मदन काका के चाय की दुकान पर बैठकर चाय के मजे ले रहे थे कि तभी मैंने अपने दोस्तों से कहा, यार इतनी ठंड में चाय पीने का कितना मजा आता है ना। इस पर मेरे दोस्त करण ने कहा, हाँ यार मजा तो आता है, मगर कल से 7 दिनों के लिए ऑफिस बंद रहेगा, तो हम ना मिल पाएंगे और ना ही मदन काका के चाय की दुकान पर चाय पी पाएंगे। अभी करण की बात खत्म हुई ही थी कि तभी मेरे और एक दोस्त अरुण ने कहा, यार जब हमको 7 दिनों की छुट्टी मिली ही है तो क्यों ना हम कहीं से घूम कर आते हैं। अरुण की ये बात हमें काफी अच्छी लगी, मगर हम सोच में पड़ गए कि आखिर जाएं तो जाएं कहा कि तभी करण ने कहा, यार हम 7 दिनों के लिए मेरे नानी के घर चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। हमने पहले से करण के मुंह से उसके नानी घर की काफी सारी तारीफें सुन रखी थी, जिस कारण वहां जाने के लिए हम भी मान गए, जिसके बाद हमने तय किया कि हम कल शाम को अपनी कार लेकर वहां जाने के लिए घर से निकलेंगे। साथ ही साथ मैंने अपने दोस्तों से कहा, तुम दोनों कल शाम 5 बजे हाईवे वाली मोड़ पर खड़े रहना और मैं कार लेकर सीधे वहीं पहुंच जाऊंगा। सारी बात तय हो जाने के बाद हम तीनों अपने अपने घर चले आए, जिसके बाद सारी तैयारी करके अगले दिन ठीक 5 बजे मैं कार लेकर अपने घर से निकला और 5:10 में अपने दोस्तों के पास पहुंच गया, जिसके बाद हम करण के नानी के घर जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। हालांकि मौसम ठंड का था, जिस कारण हम अपने कार की सारी खिड़कियां बंद करके अपनी सीट पर दुबक कर बैठे हुए थे। हमारे यहां से करण का नानी घर करीब 6 घंटे का सफर था, तो हम रात के 11 बजे तक वहां पहुंच जाएंगे। कुछ देर कार चलाने के बाद अंधेरे ने अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते आसमान पर सूरज की तेज किरणों की जगह चांद की मध्यम रोशनी ने ले ली। अब ठंड और अंधेरे का असर हमें साफ साफ हाईवे पर दिखाई देने लगा था, क्योंकि अब हाईवे पर गाड़ियों का काफिला काफी कम हो चुका था। कोहरा तो इस कदर पूरे रास्ते पर फैला हुआ था कि हमारी हेडलाइट की रोशनी में सारा कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। तभी मैंने जब गाड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 8 बजे का, यानी कि अब तक हमने आधा सफर ही तय किया था, मगर बाकी का आधा सफर हमारे लिए इतना खौफनाक होगा ये हमें कहाँ पता था। कुछ आगे जाने के बाद मैंने कार को रास्ते के किनारे रोका, जिसके बाद हम तीनों घर से लाए रात के खाने को मिल बांट कर खाने लगे। खाना पीना हो जाने के बाद हम वापस से हाईवे पर आगे बढ़ने लगे। अब रात काफ़ी हो गई थी, जिस कारण पूरा हाईवे सुनसान हो गया था। बीच बीच में हमें उस हाईवे पर इक्का दुक्का ही गाड़ियां दिखाई पड़ रही थी। अभी मैं कार चला ही रहा था कि तभी पीछे बैठे करण ने कहा, आगे से बाएं वाला रास्ता ले लेना, वही रास्ता मेरे नानी के घर जाता है। करण की ये बात मुझे काफ़ी हैरान करने वाली लगी, क्योंकि यहाँ पहुँचने से पहले वो बार बार बोल रहा था कि आगे से दाएं वाला रास्ता मेरी नानी के घर जाता है, मगर यहाँ आकर वो बोल रहा है कि बाएं वाला रास्ता उसके नानी के घर जाता है। जिस पर मैंने करण से कहा, अरे करण तू तो पहले बोल रहा था कि दाएं वाला रास्ता है तेरे नानी के घर जाता है, और अब तू बाएं जाने के लिए बोल रहा है। इस पर करण ने कहा, बाएं वाला रास्ता ही जाता है, तू कार उधर ले। खैर मुझे तो रास्ता पता नहीं था, मगर करण वो बार बार अपनी नानी के घर आना जाना करता है, तो उसे तो पता ही होगा। ये सोचकर मैंने कार को बाईं ओर मोड़ लिया, तो कार को बाईं ओर मोड़ते ही हमारे आगे एक कच्चा रास्ता था, और उस रास्ते पर पहले वाले रास्ते से भी ज़्यादा अंधेरा था। रास्ते के दोनों तरफ
लंबे लंबे पेड़ और घने जंगल होने के कारण बार बार हमें जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई पड़ रही थी। रास्ता काफी पतला होने के कारण मुझे कार चलाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिस कारण मैंने करण से कहा, अरे करण, और कितना वक्त लगेगा? इस पर करण ने जवाब दिया, बस अब और एक आधा घंटा ही लगेगा। वो रास्ता पूरी तरह से खाली होने के कारण कोहरे ने पूरी तरह से उस रास्ते पर अपना डेरा जमा लिया था। दूर दूर तक उस रास्ते पर हमारे अलावा हमें और कोई भी नहीं दिख रहा था। अभी हमारी कार कोहरे को चीरती हुई आगे बढ़ ही रही थी कि तभी चल रही हमारी कार एकदम से बंद पड़ गई। कार के अचानक बंद हो जाने से मैं एकदम से चौंक गया और बार बार कार स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, मगर कार स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी कि तभी मेरी नज़र कार के फ्यूल मीटर पर गई तो मैंने देखा कि कार का सारा डीजल खत्म हो गया है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने देखा था कि कार में काफ़ी डीजल था, तो अचानक सारा डीजल ऐसे ख़त्म कैसे हो सकता है? ये सारी बात मैंने अपनी बगल के सीट पर बैठे अरुण को बताई और हम दोनों कार से बाहर निकले। तो बाहर निकलते ही हमें डीजल की गंध आने लगी। फिर जब हमने कार के पीछे ज़मीन पर देखा तो ज़मीन पर काफ़ी सारा डीजल गिरा हुआ था। उस नज़ारे को देखकर हम समझ गए कि हमारे कार की डीजल टंकी फट चुकी है। मगर मैंने साथ ही साथ एक और बात पर गौर किया कि हमारे कार खराब हो जाने का करण पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। लेकिन अचानक करण को हुआ तो हुआ क्या, कार चलते वक्त मैं बार बार उसे RVM यानी कि रियरव्यू मिरर पर देखे जा रहा था, तो वो कुछ अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था। हमारी कार की ऐसी हालत थी कि वो बिना टंकी चेंज किए ठीक नहीं हो सकती थी। मगर हमें इस रास्ते पर दूर दूर तक हमारे अलावा और कोई भी नहीं दिख रहा था, तो हम मदद मांगे तो मांगे किससे, जिस पर मैंने चलकर करण के पास जाते हुए कहा, यार करण, कार की टंकी फट चुकी है, तो यहाँ कहीं रुकने की जगह है क्या? इस पर करण ने कहा, हाँ एक जगह है रात गुजारने का, जो पास ही में है थोड़ा। जिसके बाद हमने तय किया कि आज रात हम उसी जगह पर गुजार लेंगे और सुबह होते ही किसी से मदद मांग लेंगे। लिहाजा हमने कार को वहीं पर अच्छी तरह से लॉक किया और करण के साथ उस जगह की तरफ चलते बने। करण हमें जंगल के अंदर ले जा रहा था, तो ये बात मेरे जहन में खटकी कि आखिर जंगल के अंदर रात रुकने की कौन सी जगह होगी। एक तो कड़कड़ा देने वाली ठंड, ऊपर से जंगल में छाया घना कोहरा एक ऐसे डर का माहौल बना रहा था कि जिसे मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। खैर करण हमारा काफ़ी पुराना दोस्त था, तो हम उस पर भरोसा करके उसके पीछे पीछे चले जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद करण अचानक रुक गया, तो मैंने उससे कहा, क्या बात है, तो अचानक रुक क्यों गया? तो मेरे इस बात का करण ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर मैंने दोबारा करण से कहा, क्या हुआ, तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा? मेरे दोबारा बोलते ही करण एकदम से पीछे हमारी ओर पलटा, तो करण के पलटते ही हम एकदम से चौंक गए और इतनी ठंड में भी हमारा चेहरा पूरी तरह से पसीने में लथपथ हो गया, क्योंकि करण के पलटते ही जब हमने उसका चेहरा देखा तो उसका चेहरा पूरी तरह से कुचला हुआ था और उसके पूरे शरीर से खून टपक रहा था। ये दृश्य देखकर हम समझ गए कि ये हमारा दोस्त करण नहीं है। इससे पहले कि हम कुछ कर पाते, तभी उस भूत ने एकदम से हमारा गला पकड़ लिया। उसके गला पकड़ते ही हमारी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आने लगा। अभी हम मरने ही वाले थे कि तभी वहाँ एक साधु महाराज आ गए।
उन्होंने अपने थैले में से भभूत निकाल कर उस भूत पर छिड़का, जिससे वो भूत एकदम से गायब हो गया। जिसके बाद हमने उन साधु महाराज को करण के बारे में पूरी बात बताई तो उन्होंने कहा, रास्ते पर खाना खाने के लिए तुमने जहाँ कार रोकी थी तो वहीं बगल में एक पेड़ पर यह भूत रहता था, और तुम जब खाना खा रहे थे तो उसने करण को अपने वश में कर लिया और करण का रूप लेकर तुम्हारे साथ चलाया, और असली वाला करण वहीं पर बेहोश पड़ा है। साथ ही साथ बाबा ने ये भी बताया, तुम लोगों की कार खराब नहीं हुई थी, ये सब एक छलावा है, तुम कार लेकर जल्दी से करण के पास चले जाओ। बाबा की बात सुनकर हम एकदम से भाग कर कार के पास आए तो सच में हमारी कार ठीक थी, जिसके बाद हम उसी जगह पर गए जहां हमने खाने के लिए कार रोकी थी। तो हाँ, वहां करण बेहोश था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।